बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 1300 किलोमीटर तवील कराक्रम हाईवे कुर्रा ज़मीन पर मौजूद हैरानकुन पहाड़ी चट्टानों के दरमियान से गुजरती है। ये किसी ख्वाब जैसा रास्ता है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। किसी ज़माने में कराक्रम हाईवे शाहरा रेशम का हिस्सा हुआ करती थी, जिसकी बुनियाद यहाँ के मुकामी बशिंदों ने सदियों पहले रखी थी। तहम 1978 में 24,000 पाकिस्तानी और चीनी मजदूरों की 20 साल मेहनत के बाद इस सड़क पर बाकायदा तौर पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुमकिन हुई, जिसके बायस इस दूर दराज इलाके के लिए तजारत, सियाहत और सफरी आसानी के दरवाजे खुल गए। ऐसे ऐसे खूबसूरत इलाके जहां आप पैदल सफ़र भी मुश्किल से कर सकते थे, आज आप गाड़ी पर वहां का सफ़र कर सकते हैं। तवील सड़क पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के करीब हसन अब्दाल के छोटे से शहर से शुरू होती है और 4,700 मीटर की बुलंदी पर खंजराब के मुकाम पर दुनिया की सबसे बुलंद पक्की सड़क से होती हुई चीन जाती है। तहम इस सड़क का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो 194 किलोमीटर थे जो वादी हुंजा में मौजूद हैं। यह इलाका कराक्रम के पहाड़ों में घिरा हुआ है, जिनकी वजह से ही इस सड़क का नाम कराक्रम हाईवे रखा गया। यह इलाका गैर यकीनी हद तक खूबसूरत है, जहां सफर के दौरान आपको शफाफ ग्लेशियर, झीलें और बर्फ से अटी चोटियां हर तरफ नजर आती हैं। यह सफर तो खूबसूरत है ही, लेकिन इस जगह पर हाईवे को खास बनाने वाली एक और अहम बात हुंजा के लोग और इस वादी की रवायात है। यही वो इलाका है जिसकी वजह से शाहरा रेशम अब शाहरा कराक्रम कहलाती है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में शिंक्यांग और वाखान कॉरिडोर के दरमियान मौजूद हुंजा 20वीं सदी तक बाकी दुनिया से कटा हुआ था। यहाँ की मुकामी आबादी बरोशों और वाखी लोगों पर मुश्तमिल है और यहाँ की अपनी सकाफत है जो पाकिस्तान या दुनिया भर में कहीं और नहीं मिलेंगे। माजी में यहाँ का सफ़र कोई भी नहीं करता था, लेकिन अब कराक्रम हाईवे ने दुनिया के लिए इस वादी तक का सफ़र आसान कर दिया है। वुस्ता हुंजा जैसी सकाफत रखने वाले गोजाल में मुकामी लोग वाखी जुबान बोलते हैं और ख्याल किया जाता है कि यहाँ के मुकामी सैकड़ों साल कबल वाखान कॉरिडोर से आकर बसे थे। हाईवे खुलने से पहले हुंजा के इन दो इलाकों के दरमियान कई दिनों का सफर हुआ करता था। अब ये सिर्फ एक घंटे का सफर है, जिसमें नीली रंग की अताबाद झील ने भी आपको खुशामदीद कहती है, जो दुनिया की खूबसूरत तरीन झील है। याद रखें, कराक्रम हाईवे एक हैरत कदा है, लेकिन ये मुकामी लोगों और हुंजा की सकाफत के बगैर अधूरी है। अगर आपको इन लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा तो ही आपको कराक्रम हाईवे का असली तजुर्बा मिल सकता है। अगर हम इस रोड की शुरुआत की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान और चीन के साथ ज़मीनी रास्ते से जोड़ने का अव्वलीन ख्याल 1950 की दहाई में पाकिस्तान में चीनी सफीर चिंग बायो का था। सन 1963 में इस हवाले से दोनों मुल्कों में मुजाकरात भी हुए। सन 1965 की जंग के बाद जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ चीन की जानिब से दिए गए दफाई साजो सामान और तावुन का शुक्रिया अदा करने गए, तो उस वक्त भी चीनी सदर ने ऐसी शाहरा की तामीर का जिक्र करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक अच्छा ज़मीनी रास्ता होता तो ये इमदाद बेहतर अंदाज में पहुँच सकती थी। चुनाचे सन 1966 में शाहरा कराक्रम की तामीर का आगाज हो गया और इसकी तकमील सन 1978 में हुई। 1300 किलोमीटर तवील इस शाहरा का तकरीबन 800 किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान में जबकि 300 किलोमीटर चीन में है। शाहरा कराक्रम शुमाली इलाका जात से चीन तक फैले हुए इलाके के बाशिंदों का सदियों पुराना ख्वाब थी। इससे कबल इन बुलंदो बाला पहाड़ों पर सफर के लिए सिर्फ वही रास्ते दस्तियाब थे जो पहाड़ों की घाटियों में चरने वाली भेड़ बकरियों और खच्चरों की आमदरफ्त से वजूद में आए थे। कोई मरबूत रास्ते ना होने के बायस यहाँ के बासी ना सिर्फ महज़ब दुनिया से कटे हुए थे, बल्कि पहाड़ की दूसरी तरफ वाली अपनी करीबी आबादियों तक से नावाकिफ थे। सन 1969 में ज़िला सवात के कस्बे बशाम और ज़िला दियामर के कस्बे चल्लास को सड़क के जरिए आपस में मिलाने के लिए दरियाए सिंध के किनारे किनारे शाहरा सिंध तास की तामीर का आगाज़ हुआ। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई थी क्योंकि गिलगित तक तो अंग्रेज़ों के दौर में ही फोकर तैयारे आना शुरू हो गए थे, लेकिन उस वक्त तक सवात से चल्लास तक का इलाका सिवाय खच्चरों और घोड़ों के हर किस्म के ज़रिए नकलो हमल से महरूम था। आने वाले वर्षों में शाहरा सिंध तास का यही मनसूबा फैलता चला गया, हत्ता के सन 1967 में चीन के तावुन से शाहरा कराक्रम की तामीर का आगाज हो गया। सतह समंदर से 2500 फीट बुलंद हवेलियां से लेकर 16,000 फीट बुलंद दर्रा खंजराब तक और फिर इससे भी आगे चीनी सरहदी चेक पोस्ट पीर अली तक फैली हुई इस सड़क की तामीर में 25,000 इंसानों ने हिस्सा लिया। संगलाख चट्टानों को बारूद से उड़ा उड़ा कर गुजरने के रास्ते निकाले गए और यूं दुनिया की यह खतरनाक तरीन सड़क वजूद में आई। खतरनाक और हम्मा वक्त खतरनाक, तामीर से पहले भी, तामीर के दौरान भी और तामीर के बाद भी। दुनिया का आठवां अजूबा शाहरा कराक्रम अजीम है क्योंकि इसकी अजमत में 804 किलोमीटर की तवालत पर 804 इंसानों की कुर्बानी शामिल है।
यानी हर एक किलोमीटर पर एक इंसानी जान का नजराना। नाज़रीन, आज भी शाहरा काराकोरम को शाहरा रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि इस शाहरा की एक बुनियाद चीन से यूरोप तक जाने वाला कदीम बैनुल अक़वामी तिजारती रास्ता शाहरा रेशम भी है। शाहरा रेशम या सिल्क रूट मजमू तौर पर कदीम जमाने के उन तिजारती रास्तों को कहा जाता है जो चीन को तुर्की, बहिरा रोम और यूरोप से मिलाते थे। शाहरा रेशम के ये रास्ते मजमू तौर पर 8000 किलोमीटर पर फैले हुए थे, जो वक्त के साथ साथ तामीर होते रहे। अजीम मुसलमान बादशाह शेरशाह सूरी ने अफगानिस्तान के शहर काबुल से लेकर लाहौर और दिल्ली को शामिल करते हुए कोलकाता तक जो रोड बनाई, वो इसी रोड का हिस्सा कहलाई जिस पर तिजारत करके हिंदुस्तान से अफगानिस्तान तक गुरबत का नामो निशान खत्म हो गया और हिंदुस्तान मुसलमानों की हुकूमत में दुनिया के अमीर तरीन लोग कहलाए। मुगलिया दौर में तो ये आलम था कि पूरे खित्ते में ना कहीं कोई चोर था और ना ही कहीं कोई भिखारी, क्योंकि गुरबत का नामो निशान नहीं था। इसके बाद शाहरा रेशम की इस्तलाह पहली बार सन 1877 में मारूफ जर्मन स्याह फर्डिनेंड वॉन रिचथोफन ने इस्तेमाल की थी। शाहरा रेशम के जरिए चीन, एशियाई और यूरोपी ममालिक के दरमियान रेशमी कपड़े, मसालाजात, अनाज, औजारों और हथियारों वगैरह की तजारत होती थी। चूंकि इस रास्ते का सबसे नुमाया सामान्य तिजारत रेशम ही था, इसलिए रिचथोफन ने इसे शाहरा रेशम का नाम दिया। जमीनी रास्तों और दरियाई और बहरी गुजरगाहों का ये मारूफ सिलसिला दूसरी सदी कबल मसीह से 18वीं सदी तक दुनिया की अहम तरीन तिजारती गुजरगाह समझा जाता था। शाहरा रेशम पर इस जमाने के कई अहम शहर आते थे, जिनमें बल्ख, समरकंद, बुखारा, टेक्सला, रे, निशापुर, हमदान, बगदाद, मोसल, कुस्तुनतुनिया, बुरसा, समरना और सिकंदरिया वगैरह शामिल हैं। कहा जाता है रेशम का कपड़ा सबसे पहले चीन में तैयार होना शुरू हुआ। चीनी रवायात के मुताबिक रेशम का कपड़ा पहली मर्तबा तकरीबन 3000 साल कबल मसीह में बनना शुरू हुआ था। चीन में रेशम को बहुत कीमती और कामयाब चीज समझा जाता था, चुनाचे इसकी तैयारी के अमल को एक तवील अरसे तक खुफिया रखा गया था, ताकि इस सनत पर सिर्फ चीनियों की इजारादारी कायम रहे। चीन में तैयार करदा रेशम दीगर ममालिक में तिजारत के गर्ज से और बादशाहों को कीमती और काबिल कदर तहाइफ के तौर पर भेजा जाता था। मंगोल खाना बदोशों, हिंदुस्तानी राजाओं, ईरान फरमारवाओं, तुर्क सलातीन और यूरोपी बादशाहों के लिए ये बेश कीमत रेशमी लिबास बहुत मकबूल थे। अपने हल्के वजन और बेहद मुनाफा बख्श होने की वजह से भी तवील फासले की तिजारत के लिए रेशम मिसाली तिजारती शय समझा जाता था। रेशम के अलावा चीन से खूबसूरत और नफीस बर्तन भी इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचे। जमीनी रास्ते के अलावा ताजर समंदरी रास्ते भी इस्तेमाल करते थे। तिजारती जहाज चीनी साहिलों से निकलकर इंडोनेशिया और मलेशिया से होते हुए बंगाल और हिंदुस्तान की बंदरगाहों तक पहुंचते और मजीद आगे बढ़ते हुए ईरान, इराक, जजीरा नुमाए अरब और अफ्रीकी ममालिक तक पहुंच जाते थे। मुसलमान स्याह इबन बतूता भी इन रास्तों के गवाह हैं और इसके अलावा मशहूर चीनी स्याह फाहियान और हेवन सोंग ने भी इन रास्तों पर सफर किए। इनके सफरनामे इन इलाके के बारे में कीमती मालूमात से भरपूर हैं। यूरोपी स्याह मार्को पोलो ने भी इस शाहरा पर सफर करते हुए दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों का मुशाहदा किया। मार्को पोलो वीनस का ताजर था, जिसने 13वीं सदी के अवाखर में चीन तक पहुंचने के लिए शाहरा रेशम के साथ साथ सफर किया था। ये भी याद रखें, दीन इस्लाम की अशात में भी इन तिजारती रास्तों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। मुसलमान ताजरों ने इब्तदाई इस्लाम में ही पैगाम हक को अरब से हिंदुस्तान, चीन, इंडोनेशिया और मलेशिया तक पहुंचाया। हिंदुस्तान में सबसे पहले 17वीं सदी में मुसलमान ताजर पहुंचे। सबसे पहली मस्जिद मालाबार के इलाके में सन 630 में कायम हुई। इंडोनेशिया और मलेशिया में 8वीं सदी तक मुसलमान ताजरों के जरिए इस्लाम का पैगाम पहुंच चुका था। इसी तरह अफ्रीका और वस्ते एशिया रियासतों में मुसलमान ताजरों, सूफिया और स्याहों ने कसरत से सफर किए। इनके जरिए भी इस्लाम की तरवीज हुई और शाहरा रेशम पर मौजूद शहर इस्लामी सकाफती मराकज में तब्दील हुए। चीन से आने वाली शाहरा रेशम पर सफर करने वाले तिजारती काफिलों के लिए तुर्की में सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा बोरसा आखिरी पड़ाव की हैसियत रखता था। यहाँ वो अपना तमाम साजो सामान फरोख्त कर देते थे, जिसे तुर्की के अलावा यूरोप के ताजर भी हाथों हाथ खरीदते थे। 18वीं सदी तक जो शाहरा रेशम एशिया और यूरोप को मिलाने वाला अहम तरीन जमीनी तिजारती रास्ता और मुआशी, सकाफती, सियासी और मजहबी रवाबत का मरकज समझी जाती थी, वो दुनिया के बदलते हुए सियासी हालात की वजह से गैर फाल होती चली गई, जिनमें सबसे अहम किरदार अंग्रेजों का रहा, जिन्होंने दुनिया की मुख्तलिफ अकवाम को आपस में लड़वा कर कौमी फिरकाबंदी की बुनियाद रखी और मुल्कों के साथ रास्ते भी बट गए। लेकिन पाकिस्तान और चीन के दरमियान आज भी ये शाहरा रेशम कायम है, जिसको आप काराकोरम हाईवे कहते हैं, जो दुनिया का 8वां अजूबा कहलाती है। नाज़रीन, आप इस 8वें अजूबे के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके।
ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।